ओके तो हेलो एवरीवन, बात कर लेते हैं कि मंडे को किस तरह से प्लानिंग करना है और क्या ट्रेड होंगे और कौन कौन से लेवल होंगे। ये सारे लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंस लेवल है, स्ट्रॉन्ग्स लेवल है, इन पे मार्केट जरूर एक्सपेक्ट करेगा। इन सारे लेवलों पर आपको ध्यान से ऑब्जर्व करते रहना है लाइव मार्केट में, ठीक है। जब भी किसी लेवल पास रेंज होता है, जिसका मतलब वहाँ पर बाइंग सेलिंग हैवी क्वांट से हो रहा है और ब्रेकआउट होगा, तो आपको मोमेंटम इन सारे लेवल पर आपको मिलेगा जब भी रेंज होकर ब्रेक होगा, ठीक है। तो आज हमने प्रेडिक्शन भी आपको दिया था और अच्छा खासा आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ होगा, और मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि यहाँ पर 38,000 आपको वेट करो, यहाँ पर देखो 38,800 रेंज होने दो, रेंज होकर ब्रेकआउट होगा आप साइड एंड एग्जैक्टली 38,000 यहाँ पर आप देखोगे तो ये रहा आपका। एंड 1 मिनट हमने जो भेजा था आपको एग्जैक्टली यहाँ पर 38,800 पर रेंज हुआ एंड ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, ये रहा, ठीक है। 38,800 करेक्ट, 38,800 एग्जैक्टली यहाँ पर रेंज हुआ एंड उसके बाद ब्रेकआउट हुआ एंड अपसाइड। और मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था कि 38,950 आपको क्या है एग्जिट करना, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया था, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड चल रहा था, सारा इंडेक्स जो है, सेक्टर जो है, सेक्टर सभी सेक्टर क्या है, डाउन ट्रेंड से चल रहा था और यहाँ पर सेलर इंटरेस्ट था, इसकी वजह से मार्केट हिट करता तो मार्केट रिवर्स होता, जो कि एग्जैक्टली हुआ। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्लियरली मैंने हर एक चीज़ यहाँ पर हर एक पॉइंट आपको बताया है, ओके, हर एक पॉइंट आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। एंड एग्जिट करने को मैंने बोला 38,950, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप डेली भी पैसे बना सकते हो, ऐसा कुछ भी, निफ्टी बैंक निफ्टी से आप डेली पैसे बनाते, बस मिस्टेक जो मिस्टेक आपने कर दिया उस गलती को आप दोहराइएगा मत, बस इतना ध्यान रखना। हालांकि मैंने भी ट्रेड किया था, ओके, कल हमने लॉस भी किया था, आज हमने फिर से 1200 का प्रॉफिट किया, प्लस यहाँ पर 1000 प्रॉफिट किया, ये 1000 नहीं है, लगभग 1600 का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल 2600-2700 का प्रॉफिट था, ओके, मतलब दोनों मिला के। तो अभी कल के थोड़ा बात कर लेते हैं कि मार्केट गैप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा। देखो एक अच्छा सीनरी मैं आपको बताता हूँ, गैप अप गैप डाउन ओपन होगा। यहाँ पर देखो एशियन मार्केट क्या है, नियरली बेरिश फ्लैट है, ओके, एंड लास्ट टाइम क्या है, मोमेंटम हुआ है, लास्ट टाइम मोमेंटम, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि बाइंग हुआ होगा, ठीक है, बाइंग हुआ होगा और बहुत से लोग यहाँ पर होल्ड भी किया होगा बाइंग की वजह से, ठीक है। इसका रीजन, एक रीजन और यहाँ पर ये भी है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या कि आप एक पिन बार टाइप बना है, ठीक है, पिन बार टाइप बना है, और इससे पहले यहाँ पर इन्वर्टेड पिन बार बना था और ये क्या था, पिन बार था, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों को ये लगा कि मार्केट क्या है, यहाँ पर क्या है, रेंज होने के चांसेस है, बट मैं आपको बताता हूँ मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होने के कैसे आप पता कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो यूएसए मार्केट में क्या न्यूज आने वाला है 20 मिनट बाद, ये रहा, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला आने 3.7% यहाँ पर फॉरकास्टिंग हुआ है, मार्केट अगर पॉजिटिव आएगा तो मार्केट रिवर्स होगा, यानी एशियन मार्केट यानी रिवर्स होगा, प्लस एशियन मार्केट पूरा इंडेक्स रिवर्स होगा, यानी यूएसए मार्केट तो ऑलरेडी यहाँ पर बीस फ्लैट है तो वो भी रिवर्स होगा, ठीक है। बट अगर मान लो निगेटिव आ गया तब क्या होगा, अगर निगेटिव आ गया तो मार्केट क्या है, फेवर मतलब डाउन डायरेक्शन में चलेगा, ओके, क्यों डाउन डायरेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी बेरिश, ओके, ऑलरेडी बेरिश, ऑलरेडी फ्लैट है ना, तो ये बेरिश होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, मतलब बेरिश होने में कितना टाइम लगेगा, है ना, 10 पॉइंट 20 पॉइंट भी नहीं है, ओके। एंड ऑलरेडी क्या है, सभी का सभी आप इंडेक्स देखो, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है यहाँ पर बेरिश में एशियन मार्केट का, इसका मतलब चांसेस ये है कि मंडे को जो मार्केट है, अगर ये न्यूज आने के बाद मार्केट निगेटिव होता तो मंडे को डेफिनेटली यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होने के बाद तब जाके बुलिश होगा, वो अलग सीन होगा, बट मार्केट गैप डाउन ओपन चांसेस पूरा बन जाएगा, ओके। बट अगर यहाँ पर क्या है न्यूज, ये जो न्यूज है अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर मार्केट क्या होगी, बुलिश फ्लैट ओपनिंग होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी गैप अप या गैप डाउन फ्लैट ओपनिंग, यानी 40-50 पॉइंट, और अगर न्यूज निगेटिव होता है तो 100-200 पॉइंट के ऊपर निगेटिव मतलब गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस यहाँ पर बन जाता है, ओके। इस तरह से आप पता कर सकते हो, बाकी इन लेवल पर कैसे ट्रेड करना उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि सिंपल आपको क्या है, रेंज फाइंड करना है, ठीक है, आपको रेंज फाइंड करना है और इस रेंज से आपको पहले ही दो तीन, कम से कम 3 कैंडल का क्या कंटिन्यूअस बुलिश कैंडल या कंटिन्यूअस बेरिश कैंडल होना चाहिए, तब जाके रेंज हो, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तब जाके आपको एंट्री करना, ठीक है ना, कम से कम 3-4 कैंडल क्या कंटिन्यूअस बुलिश होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कैंडल होना चाहिए, तब जाके रेंज होगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ऐसा भी नहीं कि ट्रेड नहीं मिला था, हमने जो बताया था मैटर उसके अगर आप ऑब्जर्व किए होंगे तो मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल गया था, आप देखोगे यहाँ पर तो मॉर्निंग में ही ट्रेड मिल गया था यहाँ पर आप अच्छा खासा है, पर फर्स्ट कैंडल का यार आप रेड कैंडल का हाई लो देखो, इसके अंदर प्राइस रेंज वन ब्रेकआउट हुआ अच्छा खासा ट्रेड, और यही ट्रेड हमने लिया था एंड यहाँ पर ट्रेड लिया था, पर निफ्टी मैंने बाय किया था तो उसमें हमने ट्रेड लिया था, यानी बाइंग साइड हमने ट्रेड लिया था, ओके, बाकी सेल नहीं किया था क्योंकि मार्केट क्या है कि यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि मार्केट कब रिवर्स हो जाता है इसका कोई भी गारंटी नहीं था, इसकी वजह से हमने यहाँ पर होप के साथ ट्रेड इसीलिए नहीं करता हूँ, इसीलिए कुछ भी प्रॉफिट करता हूँ थोड़ा बहुत, पर एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ, बट प्रॉफिटेबल डे का क्लोजिंग करने की कोशिश करता हूँ, आप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा, अगर आप सीखना चाहते हो सीख भी सकते हो,
स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ की लेवल कैसे फाइंड कर सकते हो, बायर जोन, सेलर जोन, की लेवल, पुल बैक, रिवर्सल, डेली कैसे आप डेली आप मॉर्निंग में कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हो, डेली एक मतलब डेली पैसे बना सकते हो, ओके। चाहे एक लॉट से ट्रेड करो, चाहे 10 लॉट से करो, सेम मेथड, सेम प्रोसेस, लॉट को इंक्रीज करो, लॉट को या फिर एक लॉट से करो या 5 लॉट से करो, सेम मेथड से आप डेली पैसे बना सकते हो, ओके। एक आध दिन ऐसा हो जाता है ओवर ट्रेडिंग में लॉस होता है, बट ओवर ट्रेडिंग होता है तभी लॉस होता है, बट मॉर्निंग में इजीली आप पैसे बना सकते हो इन सारी स्ट्रेटेजी से, ओके। बाकी और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो चैनल को ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, 1-2 महीना फॉलो करो, आपको डिटेल में सब समझ में आ जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट।